इस वीडियो में कही गई सारी बातें सिर्फ और सिर्फ भोज मूवी के मेकर्स और एक्टर्स के ऊपर कही गई हैं। तो देशभक्तों से निवेदन है कि वीडियो को दिल पर ना ले, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यू और आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू अभी। दोस्तों बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ भोज द प्राइड ऑफ इंडिया मूवी का। दुख की बात इसलिए है क्योंकि अजय देवगन, सोनाक्षी सिन्हा, संजय दत्त और नोरा फतेह जैसे कई बड़े बड़े एक्टर्स से काफ़ी एक्सपेक्टेशन से, मगर ये सारा गुड़ गोबर हो गया। मूवी को देख के लोगों के अंदर उतना जोश नहीं भर पा रहा है, उतना उत्साह नहीं आ पा रहा है जितना कि किताब से इसकी कहानी पढ़ के लोगों के अंदर जोश और उत्साह भर जाता है। इतनी बढ़िया स्टोरी को फिल्म मेकर्स ने पूरी तरह से गेम में बदल के रख दिया है। भुज के टीजर और ट्रेलर में इतने बढ़िया बढ़िया सीन्स और डायलॉग सुनने को दिए गए जिससे कि लग रहा था कि ये मूवी पूरी तरह से ब्लॉकबस्टर होने वाली है। लेकिन अब इस मूवी को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इस मूवी को ब्लॉकबस्टर नहीं ब्लॉक कर देना चाहिए। फिल्म मेकर्स ने इस मूवी में इतने बड़े बड़े एक्टर्स को रोल प्ले दिया है, मगर इस फिल्म की एडिटिंग न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि फ़ोन में इंस्टॉल किए गए काइन मास्टर या पावर डायरेक्टर ऐप से की गई है। क्या इस मूवी के मेकर्स के पास अच्छे वीएफएक्स के लिए बजट नहीं था? अगर नहीं था तो किसी वेब सीरीज के छोटे मोटे एक्टर्स को लेके कम पेमेंट करके उन्हें ये मूवी करवा लेते और अच्छे क्वालिटी के साथ वीएफएक्स एडिटिंग कराते। लेकिन बड़े बड़े एक्टर्स के साथ लो क्वालिटी एडिटिंग नामी हस्तियों को लेकर इस मूवी को रिलीज़ किया गया है ताकि ये मूवी उनके नाम पर ही हिट हो जाए। इस मूवी के राइटर ने जैसे डायलॉग एक्टर्स को दिए हैं उस डायलॉग को सुन के आपको गर्व महसूस हो या ना, लेकिन आपको उन डायलॉग को सुनने के बाद हंसी तो ज़रूर आएगा। 15 अगस्त से दो दिन पहले इस देशभक्ति वाले मूवी को रिलीज़ करके 15 अगस्त तक सुपर हिट करने की प्लानिंग के साथ इस मूवी को रिलीज़ किया गया, लेकिन यह मूवी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई अपनी एडिटिंग, एक्टर्स के एक्टिंग के वजह से। एक्टर्स इस मूवी में सभी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं, फिर भी न जाने क्यों इस मूवी में वो इतनी लो क्वालिटी की एक्टिंग कर रहे थे जैसे कि वो अभी स्ट्रगलर और फ्रेश एक्टर्स हैं। क्योंकि इस मूवी में उन एक्टर्स के वो हाव भाव नज़र ही नहीं आ रहे थे। लड़ाई झगड़े में जिस तरह के सीन्स एक्टिंग चेहरे पे झलकना चाहिए उस तरह का बिल्कुल भी नज़ारा देखने को नहीं मिल रहा है। बॉलीवुड में अब तक देशभक्ति के ऊपर बहुत सारे फिल्में बन चुकी हैं और मैंने काफ़ी सारे फिल्में देखे भी हैं, लेकिन उनमें से किसी भी फिल्म को अगर मैं इस भुज मूवी से कंपेयर करूं तो उन सब के सामने भुज बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रहा है। दोस्तों मगर ऐसा नहीं है कि यह मूवी पूरी तरह से देखने लायक नहीं है। हाँ ऐसा ही है, यह मूवी देखने लायक नहीं है, क्योंकि 2-3 मिनट के अच्छे सीन्स के लिए 2-3 घंटा बर्बाद करना सही तो नहीं है ना। क्योंकि इस मूवी में 2-4 मिनट के कहीं कहीं सीन ही अच्छे हैं और बाकी कोई भी सीन अच्छे नहीं है। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, और भी फिल्में बनेंगी देशभक्ति के ऊपर और काफ़ी फिल्में बन भी रही हैं। भुज मूवी से एक दिन पहले रिलीज़ हुआ है शेर खां, बहुत ही बढ़िया मूवी है। आप शेर खां मूवी को देख ले, आपका 15 अगस्त अच्छे से गुजर जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल यानी कि अकॉर्डिंग टू अभी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।